पाटीदार प्रभाव वाली सीटों से बीजेपी के लिए बुरी खबर है। हमने पाटीदार सीटों का आंकलन किया। 2012 के चुनावों में राज्य के 22 पाटीदार सीटों में से भाजपा के हाथ 14, कांग्रेस के 6 और केशुभाई पटेल की पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी के हिस्से 2 सीटें आई थी। गुजरात विधानसभा चुनावों के रुझानों से साफ जाहिर हो गया कि भाजपा लगातार 6ठी बार सरकार बनाने वाली है। हालांकि इस चुनाव में विपक्ष ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये सुनिश्चित किया कि भाजपा को आसानी से सरकार बनाने का मौका न दिया जाए। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंग भेद हर हथकंडा अपना लिया। चाहे मंदिरों में माथा टेकना हो या फिर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर जैसे मोदी विरोधियों के साथ गठबंधन कर चुनाव को दिलचस्प भी बना दिया। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर आर राशन की मांग ने गुजरात की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। उसी रथ पर सवार हो कांग्रेस इनके साथ गठबंधन कर चुनाव जीतना चाह रहे थे। इसी क्रम में हमने पाटीदार सीटों का आंकलन किया। 2012 के चुनाव में राज्य के 22 पाटीदार सीटों में से भाजपा के हाथ 14, कांग्रेस के 6 और केशुभाई पटेल की पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी के हिस्से 2 सीटें आई थी। वहीं अभी तक के आए रुझानों और रिजल्ट को देखें तो टक्कर बराबरी की है। भाजपा 11 और कांग्रेस भी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हार्दिक पटेल के क्षेत्र और पाटीदार आंदोलन के गढ़ मेहसाना में ही कांग्रेस गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। सूरत सिटी उत्तर से भाजपा ने इन नेताओं को धूल चटा दी।